दोस्तों, मैं निशांत कुमार, गर्दन विभाग फिजिकल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम संजय गांधी स्टेडियम में आए हुए हैं। ये संजय गांधी स्टेडियम जो गर्दनी बाग के बगल में, और बगल आपको समझिए यहाँ पे बगल, ये रोड के ऊपर ही जाएंगे तो आपको गर्दनी बाग हॉस्पिटल मिलेगा। और ये देखिए अभी ट्रैक, कल हम आए थे तो पानी पटाया जा रहा था, आज भी गीला है, बहुत ज़्यादा गीला है। कुछ जगह सही है, बस इधर दिखाओ, इधर बगल में थोड़ा सा गीला है। और हमको लग रहा था 320 मीटर का या 333 मीटर का अगर बनाने का बात कहें तो ऐसा हमको अभी तक कंफर्म नहीं हुआ, क्योंकि पूरा ग्राउंड नहीं पटाया गया है। जो मान लीजिए अगर आपका पूरा ग्राउंड पटाएगा तब तो पूरा ग्राउंड बनेगा, उसके बाद आपको 333 या 320 बनाया जा सकता है। क्योंकि देखिए, आपको वीडियो के माध्यम से आगे आ जाइए कि यहाँ तक जो है पटाया हुआ है, जिससे कि ये हम बराबर करके अच्छा कर सकते हैं। बट देखिए, इसके बगल में जो है पूरा सूखा हुआ है, एकदम हार्डनेस ज़्यादा है और कटीला जैसा एक रोड़ा है। ये सब ये रोड़ा देख लीजिए, ये रोड़ा से आपको लगता नहीं है, ये रोड़ा से आप लोग दौड़ सकते हैं, क्योंकि चिकनी मिट्टी है और ये हार्ड है ज़्यादा। तो आपको देख लीजिए किस तरह का है। और ये हमारा जो आगे सामने दिख रहा है सरफेस, वहाँ का सरफेस 320 मीटर का पड़ता है, जैसे कि पहले हम चलाते थे इसमें एकेडमी, तो ये होता था। ठीक है, ये बगल में आपको देखिए, वहाँ से जाना होता था। और ये वाला जो ट्रैक है, ये ट्रैक पे हम लोग कभी दौड़ाए नहीं है। ये ट्रैक जो है लगभग 300 अगर इसको गोल किया जाए तो 300 यहाँ से पड़ेगा, लेकिन जब यहाँ तक भिंगाया गया है तो आगे अगर आप करेंगे तो ये जल जाएगा 200 मीटर का। 200 मीटर से ज़्यादा बनने का चांस नहीं लग रहा, जबकि पटाया नहीं गया। तब अगर पटाया जाता है और टाइम भी नहीं बचा है, क्योंकि हमको लगता है कि आज 15 तारीख हो गया, कल 16 हो जाएगा, 16 17 18 19 से शुरू हो जाएगा, 4 दिन है, 4 दिन में इसको ग्राउंड भी बनाना है। हमें नहीं लगता है कि बनाएगा, हमको कंफर्म अब लग रहा है 200 मीटर का ही ग्राउंड बनाएगा। तो आप देखिए, इसी तरह का ग्राउंड है, लेकिन ग्राउंड आपका बहुत अच्छा, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो मिट्टी डाला गया अब इसे दबने लगा है, ये दबने लगा है, तो जब भी इस पर रोलर चलेगा सूखने के बाद तो ये बहुत अच्छा ग्राउंड बन जाएगा। देखिए कितना चिकनापन है। तो आपको गर्दनी बाग से अच्छा सरफेस मिलेगा, ठीक है, क्योंकि गर्दनी बाग में हार्डनेस ज़्यादा है, ये हार्डनेस कम हो जाएगा, क्योंकि ये हल्का मिट्टी है और ये भी कोड़ा हुआ है। इसका मतलब आपको जब पानी पड़ेगा फिर दबाएगा तो हार्डनेस कम हो जाएगा। तो ऐसे ही वीडियो में बने रहिए और हर अपडेट आपको हम देते रहेंगे। और वीडियो के माध्यम से आप चारों पट्टी देख लीजिए, इधर तो पूरा पटा हुआ, लेकिन इधर का जो रोड की तरफ है ये नहीं पटा हुआ है।